इज 5:35 हो रहे हैं शाम को, और अभी मैं थोड़े से अपने बादाम और ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ, बस बाहर खड़ी हूँ। अभी थोड़ा सा धूप है और मैं बाहर व्लॉगिंग ना बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ बैक साइड से मैं कितना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा शोर भी आता है, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती। नहीं तो व्लॉगिंग के लिए ना ये बालकनी इतनी प्यारी है ना, मन करता है कि यहाँ पर आके सुकून से बैठो, मतलब आप लोगों से बात करो, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि आजकल यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब एक तरह से नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है ना, कि मतलब मैं तो दिन भर भी मतलब ये ग्लास वाला डोर लगा के रखती हूँ ताकि मतलब आवाज़ ना जाए अंदर, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, पता नहीं कब तक ये काम चलेगा यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से काम चल रहा है, देखिए और कल तो यहाँ बहुत ज़्यादा शोर होने वाला है क्योंकि यहाँ पर ये लेंटर डलेगा कल, और ये देखते हैं यहाँ पर मतलब बस आजकल यहाँ पर यही चल रहा है, और जब तक ये पूरा बन नहीं जाता ना तो तब तक यहाँ पर शोर ही शोर होता रहेगा। आपको दिखा दीजिए ना कि मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, कुछ प्लांट्स लगा रही हूँ, तो यहाँ पर ये मेरे छोटे छोटे धनिया हो गई है थोड़ी सी, मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी खत्म कर ली है और अब एक्सरसाइज का टाइम होता है तो एक्सरसाइज करते हैं घंटे। तो गाइज अभी मैंने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और मैंने सब्जी भी बना ली है, देखा फटाफट ऐसे काम होते हैं। तो अभी संदीप आए और हम डोर ओपन करते हैं। जिस पे बना ना उसी पे खा लो शांति से, थोड़ा हटो तो पिक्चर आ गई वाली, कौन सी पता नहीं नई सीरीज आई है कोई, ये देखो ना खा के कैसा। अरे सीरीज पूरी नहीं है, इट्स अल्टीमेट। मैंने बनाई है हेल्दी चाट, मेरा थोड़ा चटपटा खाना बना था। यशु बोल रही अमेजिंग। सो गाइज हमारा डिनर हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं पार्क, पार्क में नीचे वॉक करने जा रहे हैं ताकि हम थोड़ा और स्लिम हो सकें। तो हमने खाना खा लिया और हम जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा घुमाते हैं यशु का। यशु को शाम को भी नहीं लेके गई थी मैं, बचपन की यादें वो करते हैं ताजा है। हम भी झूलते हैं थोड़ा सा बचपन की यादें ताजा हो गई। आपको ये काटता तो नहीं है, नहीं। क्या नाम है इसका? कैशू। फीमेल है मेल? सो गाइस आपको एक बात बतानी थी कि अब ब्लॉगरों की ना दुकान खुल चुकी है यहाँ में, कोई ना कोई ब्लॉगर टकरा जाता कहीं ना कहीं। गाइस ब्लॉगिंग के लिए सबने अपने अपने खोखे खोल दिए, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब इनको खोखा ही बोलेंगे क्योंकि इनकी दुकान अभी चली नहीं है, तो छोटे से स्टार्टअप है ये, और इसमें रिस्क नहीं है। लेकिन आप सबसे पूछोगे तो सब यही बोलेंगे कि हम ब्लॉगर हैं, और उसमें से एक मैं भी हूँ जिसने हमने खोखा को पूनम का खोखा तो बहुत दिनों से खुला हुआ है। गाइस ये आप लोगों की वैसे दुकान नहीं बन पा रही है, ये रेंट पर दुकान नहीं बन पा रही है, थोड़ा तेजी लाओ यार, ऐसा मत करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, बढ़िया से हिट कर दो मेरे खोखो के, थोड़ा दुकान में तब्दील करो। वो देखो हमारे सब्सक्राइबर देखो क्या हालत में रखे हैं, एक सब्सक्राइबर हमारा उधर पड़ा है देखो। पापा भी बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं, बट मुझे मतलब गारंटीड है मेरे को तुम्हें डर लग, तुम्हारे स्कूल में भी ऐसे झूले नहीं होते, तुम्हारा टायर होता था हमारे स्कूल में, तो होता था गंगाराम। देखो तुम्हें डर लगेगा उसके साथ देखना, चिल गया क्या? चिल गया? थिचक गया क्या? भाई ऐसा लगा था कमर ना वो हो जाए, कहीं स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम ना हो जाए। थिच तो नहीं गया, रगड़ा कुछ चिल तो नहीं गया?
कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज नेक्स्ट डे है और अभी 8 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मेरे को थ्रोट पेन हो रहा है। कोल्ड का तो ऐसे ही होता है, पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे चलता है कोल्ड का सिस्टम। तो अभी बनाते हैं, जो परसों दूध फट गया था ना उसका पनीर बचा था, तो आज पनीर के पराठे बनाते हैं। सो मुझे पराठा मिल रहा है, देखते हैं इसके अंदर का स्टफ कैसा होगा, पनीर तभी पूनम का अप्रिशिएशन मैं दूंगा। हमारी बेबी भी होती है, गुड मॉर्निंग बेबी वाली है। हाय रो, ये क्या कर रहा है? हैप्पी होली। तेरे पापा ने तो आज ही खेल ली होली। ये क्या कर रहा तूने? हैं? मेरी वाइफ मोबाइल लेके खड़ी होती है मुझे। तुम्हारी हरकतें दिखाने। ये पापा कैसे लग रहे हैं? गंदे हो रखे पापा। कब से के वॉश करो। मुंह बांधो। क्या करूं? हैंड वॉश करो, मुंह बांधो। सो गाइस देखो रात के ना 9:15 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा आउटिंग करने। इसे चाबी ले लो। अपनी सोसाइटी में पहुंच चुके हैं और हमारी छोटी सी 10 मिनट की 15 मिनट की आउटिंग भी हो चुकी है। देखो हमारा साइकिल वो है। हाँ भाई देख लो भाई, यशवी की साइकिल बहुत ज्यादा ढेर, जिनके बच्चे हैं वो समझ सकते हैं जिसके बच्चे 12 बजे एक बजे से पहले सोते नहीं है, तो उनके साथ यही चलता है। और बच्चों में देखो अभी भी इसकी बैटरी कितनी फुल चार्ज है, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी ये सोने का टाइम हो चुका है। अभी मैं देखूं मैं तो लगभग 12 बजने वाले हैं, आधा घंटा बचा है 12 बजने के। इसकी एनर्जी देख के मुझे लग रहा है कि इसे जबरदस्ती 2 थप्पड़ मार के खिलाना पड़ेगा। चुप हो जा। हाँ चुप हो जा, बंडल बना दूंगी बंडल। देख रहे हो आजकल के बच्चों को क्या बोल रहे हैं? ऐसे नहीं बोलते। हाँ तो जो तू बोल रही है वैसे बोलते हैं ना? नहीं। So guys, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्ती करते हैं और आप लोग भी मस्ती करिए। बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। घर में सारे पराठों के शौकीन हैं, कभी गोभी के, कभी पनीर के, कभी आलू के। टाइम वो होने वाला ना, अब गर्मियां स्टार्ट होने वाली, पराठे के छोड़ो। आपको पराठे पसंद है? हाँ। कितने पसंद है? मुझे अपने शॉर्ट्स दिखा दो, सबको दिखा दो शॉर्ट्स, दिखा दो यशवी का शॉर्ट्स। वाह। सो गाइस हम निकल रहे हैं यशवी के लिए बलून लेने और होली की शॉपिंग करने, और विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। तो हैप्पी होली। तो हम यशवी के लिए कलर से बलून लेते हैं और थोड़ी सी गुजिया लेते हैं। हम वैसे बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाते, पर त्योहार है तो त्योहार में तो बनता ही है ना। मैं गैस देख के आती हूँ, तो बस स्कूटी में जाते हैं फटाफट, पहले शॉपिंग करके आते हैं। आजकल व्लॉग में थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि यार सब क्या बोलूँ, बार बार रिपीट करने का भी वो नहीं होता कि थोड़ा यशवी के साथ हो ही जाता लेट, इसलिए। संदीप चाबी ले ली, बच्चे तो आज से ही खेलने लग गए होली और हम अब जाते हैं। कर दी उन्होंने गाड़ी का वो।
एक बार ट्राई तो करो, फिर आपको बलून लेंगे, बलून बलून लेंगे एक बार। होली जी का तो नाम है यार। इसके पर झंडा नहीं लगाना, नहीं मैंने ले ली। सो हमारी शॉपिंग हो चुकी है, देखो मैंने अभी क्या लिया अपने लिए, मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ। तो ये यशवी वहाँ पे तो पहन नहीं रही थी, अब हम सोच रहे हैं इसको, ये बोल रहे हैं अब घर में पहनाऊँ इसको, तो हम इसको पहना के देखते हैं। ए टू क्यों मैं इतनी सुंदर में, इतनी सुंदर में क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मेरा बच्चा जाओ सीट में जाके। धुलाई हो गई पब्लिक में। रुक जाओ तो मैं बता रहा हूँ।